भिंड शहर में पहली बार परम पूज्य क्रांतिवीर मध्य प्रदेश शासन के राजकीय अतिथि मुनि श्री 108 पति सागर महाराज के सानिध्य में मिणिनगर के इतिहास में प्रथम बार तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि किला गेट से प्रारंभ होकर बजरिया गोल मार्केट सदर बाजार होती हुई खपरा रोड पर सभा के रूप में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में हजारों की लोगों की भीड़ रही, जिसमें दीप प्रज्वलन करने का एवं राष्ट्रीय गीत का प्रवचन करने का सौभाग्य सैलूजन को प्राप्त हुआ। कई सामाजिक संगठन भी इस अवसर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। खबर हर पल के लिए भिंड से सोनल जैन की खबर। देश के स्वाभिमान का दिवस है, जो कि संविधान जिस दिन लागू हुआ और भारत के संविधान के तहत, तो उसी संविधान के दिवस को जो है आज हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से मना रहे हैं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की जान है, पहचान है और भारत देश की अस्मिता में ये बात छाई हुई है कि सौहार्द हमारे देश का नारा रहा है और सौहार्द पूर्ण तरीके से हम सभी धर्म और जाति के लोग हिल मिल करके यहाँ रहते हैं। तो इसीलिए जो है तिरंगा के जो तीन कलर है वह इसी बात की तरफ परिचायक करते हैं कि जहाँ शांति भी है, जहाँ पर प्यार भी है और जहाँ पर हरियाली यानी संपन्नता भी है। शांति, सद्भाव और अमन का प्रतीक है हमारा तिरंगा। मगर आज देश में जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो है इस भारत देश को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत देश सदियों से जो है सब हिल मिल करके रहा है। हम राजनीतिकरण करके हिंदुत्व के नाम पर जो है अपनी वासनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को नहीं तृप्त कर सकते हैं। इसलिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत का संविधान जो है उन्हें अपने धर्म के अनुसार जो है पूजा प्रार्थना करने का अधिकार देता है, तो किसी को भी उनकी स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार नहीं है। और भारत ही एक ऐसा देश है कि जो सबको निभाता है, इसीलिए भारत को माँ कहा जाता है, क्योंकि माँ सभी बच्चों के ऊपर बराबर से प्रेम निभाती है। इंग्लैंड को आज तक किसी ने माँ नहीं कहा, अमेरिका को माँ नहीं कहा, रूस को माँ नहीं कहा, लेकिन भारत को ही माँ कहा जाता है, क्योंकि भारत इसीलिए माँ है क्योंकि वह सबको निभाता है। इसीलिए भारत माता है और हम पूरब की संस्कृति को जीते हैं और पूर्वी संस्कृति परोपकार की संस्कृति होती है, दूसरे को देने की संस्कृति होती है। उसी अध्याय को देशभक्ति से जागृत करने के लिए हम सभी धर्म और जाति के लोग जो है आज 5100 तिरंगे लेकर के जो है भिंड की सड़कों पर निकले हैं कि जिससे लोगों के दिल में जो है एक देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जा सके। भारत देश हमारा है, हम सबका है और हम सबको जो है हिल मिल करके रहने का अधिकार है। करीब करीब कितने लोग थे जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल? वह सारी चीजें जो है मीडिया ने अपनी आंखों से स्वयं देखी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति हजार हजार के बराबर है, क्योंकि हजार हजार के बराबर, क्योंकि उसके अंदर अगर देशभक्ति की भावना है तो उस देशभक्ति की भावना के सामने जो है एक व्यक्ति हजार लोगों का काम करने की सामर्थ्य रखता है। तो इस वैसे भी भारत में क्वांटिटी का महत्व नहीं होता है, क्वालिटी का महत्व होता है और भारत देशों के पास में क्वालिटी है, इसीलिए आज सारे